गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। मैंने टमाटर देखे हैं तो सोचा चलिए टमाटर की वीडियो बनाती हूँ। माशाल्लाह बहुत हेल्दी टमाटर हैं और इन टमाटरों को देख के ख्याल आया है कि इस तरह के सीड्स की जब बात की मैंने तो पता चला कि ये सीड्स जो हैं ये नॉर्मल टमाटरों के हैं, जो हम घर में यूज़ करते हैं उन्हीं टमाटरों के ये सीड्स हैं, एक्स्ट्रा मार्केट से नहीं लेने पड़े। ये एक प्लांट पे ही माशाल्लाह इतने सारे हैं और ये बंचेस की सूरत में है और अभी जब ये पकते तो शायद बहुत खूबसूरत लगते लेकिन अभी ये कच्चे हैं। लेकिन फिर भी इनके बारे में आपको बताऊं कि ये मैंने पहले ही बताया कि ये टमाटर वो टमाटर हैं जो कि हमारे घर में ही होते हैं, घर में हम खाते हैं या कुकिंग करते हैं जब उनके हम देखते हैं ज़्यादा पका हुआ टमाटर है तो हम अपनी क्यारी में डाल देते हैं। जब हम क्यारी में डालते हैं तो उनसे ये ग्रो कर जाते हैं। अच्छा, इसकी मैंने फर्टिलाइज़र का पूछा तो बताया कि जी कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसी में लगाया है, बस सनलाइट इस पर बहुत अच्छी है और शायद सनलाइट की वजह से ना ही इस पर स्पाइडर माइट्स हैं और ना ही इस पर वो मेलीबग्स टाइप जो होते हैं कीड़े जो कि इसके लीफ को कर्ली कर देते हैं वो भी नहीं है। ये लीफ भी इसके सही हैं और हेल्दी हैं और इसके फ्रूट भी अच्छा है इसमें। तो हम भी अगर चाहें तो हम अपने घर में इस तरह से लगा सकते हैं। जिनके घर में अगर छोटा सा भी एरिया हो, कच्चा कच्ची क्यारी हो, कच्चा एरिया हो या कच्चा सहन हो, उसमें ये इस तरह के वेजिटेबल्स लगा के अपने घर में ना सिर्फ अपने घर की सब्ज़ी से फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि एक जो खुशी है गार्डनिंग की, मेरा तो चैनल का नाम ही गार्डनिंग विद प्लेजर है तो जो गार्डनिंग की जो खुशी होती है वो खुशी भी आप इस तरह के गार्डनिंग से महसूस कर सकते हैं। ओके जी, अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, आप भी इसी तरह कीजिए, प्लांट्स लगाइए, सब्जियां लगाइए और वो खुशी वो फीलिंग्स आप भी महसूस कीजिए जो इन्हें देख के मैं महसूस कर रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।